सा रोका। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। चंदौली से सकलडीहा से समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु नारायण यादव अपने बल पर समाजवादी पार्टी को जिले में मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि 24 के चुनाव में सभी पार्टियों को गोलबंद होकर बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ना होगा। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। आज हम चंदौली जनपद के सकलडीहा विधानसभा में हैं। मैं आपको ये बताऊं कि लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी लगभग 4 चुनाव, 2 विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा चुनाव लगातार हार रही है। ऐसे विषम परिस्थिति में मैं एक ऐसे शख्सियत से, समाजवादी पार्टी के एक ऐसे तेज तर्रार विधायक से मिलाता हूँ, आपको बात करके सुनाता हूँ आपको, जो भाजपा की लहर को ये सकलडीहा में खास करके कहर के रूप में बरसा रहे हैं और इनके ऊपर कोई लहर का असर नहीं हो रहा है। मैं बात करके सुनाता हूं और समाजवादी पार्टी के लोगों को खास करके ध्यान देने की जरूरत है कि क्या ऐसे विधायक से समाजवादियों को सीखना चाहिए? क्या समाजवादियों को ऐसे विधायक को, ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में विधायकों को और भी जिम्मेदारी देनी चाहिए? जो भाजपा की जो गाँव गाँव भ्रमण कर रहे हैं, हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं, ऐसे में क्या ये भी एक संदेश देंगे? आइए हम आप बात करके सुनाते हैं। अपने सहयोगी राजकुमार के साथ चंद्रभूषण चौबे, प्राइम टीवी चंदौली। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हम चाहते हैं आपसे पहले बधाई देते हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं कि 2024 की रणनीति किस प्रकार होगी। आप देखिए, आपका चैनल के माध्यम से आप हमारे बीच आए हैं, आपको धन्यवाद। 2024 देश का ऐतिहासिक चुनाव होगा। बदले की भावना से कार्रवाई करके लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन समाजवादियों का इतिहास रहा है, आपने देखा। डॉक्टर लोहिया रहे हो, अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने शहादत दिवस भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी, तमाम लोगों का हमने मनाया। ये लोग सभी समाजवादी लोग कभी झुकने का काम नहीं किए अंग्रेजों के सामने। आज भी ये परिस्थितियाँ समाजवादियों का वो इतिहास कायम है। आपने देखा कि एक दौर था जब लोहिया जी के जाने के बाद लगा कि देश समाजवाद मिट गया, लेकिन उसके बाद इस देश में माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव पैदा हुए, 14 साल की अवस्था में जेल जाने का काम, 4-4 बार मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए, रक्षा मंत्री बने और प्रधानमंत्री बनते बनते रहे। आज पूरा देश माननीय अखिलेश यादव की चेयर में देखने का काम, एक बड़ा भरोसा है, विश्वास भी है। ये 2024 का चुनाव नेताजी के बताए रास्ते में चलते हुए, लोहिया जी के बताए रास्ते में चलते हुए पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी लड़ने का काम करेगी। आईन को भगाने का काम कोई नहीं करेगा, केवल समाजवादी पार्टी सभी साथियों से मिलजुल के चुनाव लड़ेगी, आयन का खात्मा करने का काम समाजवादी पार्टी। सर, चलते चलते क्योंकि आपके पास समय नहीं है, सब समय की कमी है, एक मीटिंग में जाना है, तो हम चाहते हैं कि बस आखिरी सवाल लेते हैं आपसे कि ऐसे विषम परिस्थिति में कोई संदेश देना चाहते हो समाजवादियों को कि 2024 के लिए कोई संदेश उसे बता दें। आगे के संदेश यही है, आज देश बहुत ही संकट के दौर से, महंगाई चरम सीमा पे, गरीब किसान सब परेशान। अभी देखे इतनी बड़ी फसल के नुकसान किसानों की हुई है, ये आपदा से जूझ रहा है किसान, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है, हिंदुस्तान का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है। जो हमारे शहीदों ने अपनी शहादत देके अपने खून से देश को सींचा था, एक एक कर का बेचने का काम ये सरकार बैठे लोग कर रहे हैं। तो आज देश बचाना, संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाने की बड़ी चुनौती है, तो इसके लिए हम सभी दलों का, जो विरोधी दल के लोग हैं उनका हम आह्वान करेंगे, निवेदन करेंगे कि सभी लोग मुट्ठी बांध के तैयार हों। जब देश रहेगा तभी आप राजनीति करोगे, संविधान रहेगा तभी राजनीति करोगे, लोकतंत्र बचेगा तभी राजनीति करोगे। इसको बचाने के लिए एकजुट होकर आगे आए,
आज भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने लगे। अमेठी में सारस के दोस्त आरिफ की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। बता दें कि वन विभाग के अधिकारी ने आरिफ को नोटिस जारी किया है, तो वहीं राज्य पक्षी सारस से दोस्ती कर चर्चा में आए आरिफ की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का हवाला देते हुए वन विभाग ने आरिफ को नोटिस देकर कार्यालय बुलाया है, जिसके बाद संतोषजनक जवाब न मिलने पर वन विभाग आरिफ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकता है। पूरे मामले को लेकर सहायक वन रक्षक रणवीर मिश्र ने बताया कि मोहम्मद आरिफ को वन विभाग की तरफ से एक नोटिस जारी की गई है और उन्हें प्रभागीय वन अधिकारी कार्यालय 2 अप्रैल 2023 को बुलाया गया है। आरिफ और सारस के विषय को लेकर उनका पक्ष सुना जाएगा। और इस खबर पर हमारे संवाददाता वीरेंद्र हमसे जुड़ेंगे। वीरेंद्र, सारस के दोस्त आरिफ को वन विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है, क्या कुछ है नोटिस में, पूरी जानकारी दें। जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, जिस से आरिफ और सारस की एक दोस्ती एक सोशल मीडिया के द्वारा देखने को मिली, वहीं अब आरिफ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। वन विभाग के उसमें आरिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको नोटिस दिया गया है। 2 अप्रैल 2023 को उनको अपने कार्यालय में उनको बुलाया गया है और उनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके आगे की कार्रवाई क्या होगी वो देखने को रहेगी। धन्यवाद वीरेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। फतेहपुर में खखरेरू थाना क्षेत्र के कुल्ली गांव के जंगल में इनामिया हिस्ट्री शीटर बदमाश को फोर्स ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अहमद पकड़े गए बदमाश अतीक अहमद का करीबी है, जो कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर क्षेत्र में दहशत फैला रहा था, जिसे पुलिस ने जवाबी फायरिंग में गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। जनपद फतेहपुर में थाना खकरेलू क्षेत्र में कुल्ली गांव में जंगलों में काले बाबा की मजार के पास स्वाट टीम प्रथम और खकरेलू थाना पुलिस से शातिर अपराधी मोहम्मद जरार अहमद की मुठभेड़ हुई है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के शातिर माफिया अपराधी अतीक के करीबी थे। उनके यहाँ आना जाना था, इसके पिता काया और इनके दो भाई हैं, दोनों भाइयों का आना जाना था। एक भाई मोहम्मद अहमद कुछ दिन पूर्व सरेंडर हो गया था और इससे प्रतिबंधित बोर 38 बोर की रिवाल्वर और राइफल बरामद हुई थी, जेल में है, हिस्ट्री शीटर था। मोहम्मद जरार भी 25,000 रुपये का इनामी है और इसे जो है 315 बोर की राइफल बरामद हुई है, ढेर सारे कारतूस बरामद हुए हैं, घायल हुआ है, इसे हॉस्पिटल भेजा गया है, यह भी हिची शीटर है। कुछ दिन पूर्व तलाबी ज़मीन पर इन्होंने मकान बना लिया था, करोड़ों का मकान था, जिसको प्रशासन और पुलिस ने मिल करके ध्वस्त कर दिया था। क्षेत्र में इनका बड़ा आतंक था और इनके विरुद्ध पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। फरुखाबाद में अब फाइनेंस कंपनी के गुंडे किसानों का खून चूस रहे हैं। बता दें कि फाइनेंस कंपनी के एजेंट के धमकाने से भयभीत होकर एक किसान ने फांसी लगा ली। किसान ने खेत में खड़े पेड़ पर कपड़ा बांधकर फांसी लगा ली, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। का नाम है लड़का को? एक जन को नाम राम रही था, विजेंद्र। अच्छा, इन लोगों ने लोन लियो तो जमा करी पाई। तो वो फाइनेंसर को नाम मालूम है अम्मा? हमें नहीं मालूम भैया। अच्छा, जी नहीं है तो अम्मा जब के वजह से खेत पे निकले थे? जी खाई पी के चले गए थे। बुलंदशहर में सांसद के भाई से चौकी इंचार्ज के दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है।
बता दें कि सांसद के भाई ने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर की गाड़ी में टक्कर मार दी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस सांसद के भाई को का गहमा गहमी के बाद उठा ले आई। वहीं पुलिस ने मेडिकल कराए बगैर ही सांसद को छोड़ दिया, जिसके बाद एसएसपी ने चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया है। बिजनौर में बेमौसम बारिश और तेज हवाओं के चलते जहां गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो वहीं किसानों की गेहूं की फसलें चौपट होने की कगार पर पहुंच गई है। कुदरत की मार के आगे किसानों की उम्मीदों पर पानी फिरता साफ तौर पर नजर आ रहा है। किसान सरकार से बेमौसम हुई बरसात में चौपट हुई उनकी फसलों का मुआवजा दिलाए जाने की भी मांग कर रहे हैं। हरियावाले का रहने वाला हूँ, कृषक हूँ, और इस बारिश और ओले से इतना बड़ा नुकसान हुआ कि हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई ओले से और बारिश से, बेमौसम बरसात हुई। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हमें इसका मुआवजा दिया जाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम अनुरोध करते हैं कि हमें मुआवजा देने की कृपा करें। बस्ती में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं इसको लेकर बस्ती सदर तहसील के एसडीएम शैलेश दुबे गंभीर नजर आ रहे हैं। बता दें कि अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आदेश पाते ही सिलसिलेवार तरीके से वनकटी ब्लॉक में सरकारी विद्यालय की जमीन अतिक्रमणियों से खाली कराकर साथ में सीमा कान कराते हुए विद्यालय को अभिरक्षा में दे दिया गया, और विद्यालय की बाउंड्री के लिए तत्काल जेसीबी की मदद से नींव भी खोद दी गई। बता दें कि अतिक्रमणकारियों को जमींदोज करने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले चरण में राजस्व टीम बस्ती पुलिस के साथ कुदराहा ब्लॉक के ग्राम अकेला कुबेरपुर में पहुंची, जहां खलियान के भूमि पर अतिक्रमण हटाते हुए जमींदोज कर ग्राम सभा को सौंप दी गई। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।